हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू योर फैमिली बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिवम पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने यहाँ लिखा है कि एक इंसान जिसने सूरत की तस्वीर बदल दी। तो सवाल ये है कि वीडियो में ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ, आखिर उस इंसान ने ऐसा क्या किया। तो बात करें अगर हम सूरत की, तो सूरत बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया की सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें इंडिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। जैसे जब जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सूरत सिटी की नालियों में भी डायमंड पाए जाते हैं, बिकॉज ये डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है। कपड़ों के मामले में बात करें तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बात करें रोड्स की, कंस्ट्रक्शंस की, गटर सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल परफेक्ट क्लियर। तो मैं तो 2017 में है आया, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो नॉर्मली 2000 के बाद के बॉर्न में, 21st सेंचुरी में बॉर्न। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई चलो पता तो करते हैं कि ये इतनी अच्छी सिटी बनी कैसे, क्योंकि 90s में इसका ऐसा कोई नाम नहीं था, और सडन 2021st सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ। तो किसी भी शहर को बनाने में वहाँ के लोगों का और बहुत से लोगों का नाम होता है, काम होता है, बट कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो मेन रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है। तो आखिर वो पर्सन है कौन? नॉर्मली वो रियल लाइफ के हीरो होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बच्चे आजकल सिनेमा से और टीवी लाइफ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, सोशल मीडिया स्टार से इतने अफेक्टेड हैं कि उनके लिए रोल मॉडल भी वही हैं, स्टार्स भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, बट एक्चुअली में वो एक पर्दे तक सीमित हैं। जो रियल लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिस सिटी में आप रहते हो वो सिटी इतनी अच्छी है तो क्यों है, उनके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इस वीडियो के थ्रू मैं वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, हार्डली 20 ईयर पीछे मैं जाता हूँ कि 2019 है। आप 30 ईयर पीछे चलिए और बात करते हैं 1994 की। 1994 में सूरत में प्लेग आया, पता ही है। प्लेग की सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेग में 4 to 6 लाख लोगों ने एक दिन में सूरत लीव किया था। विद इन 2 से 3 डेज में उन्होंने लीव कर दिया, लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले। प्लेग हवा में फैलने वाला रोग था जो गंदगी और चूहों के रीजन से फैलता था, और सिचुएशन वर्स्ट थी सूरत की। और उस टाइम सूरत अपनी क्लीननेस के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता था, इतिहास इसका जो भी रहा हो, बट सफाई के मामले में कोई हाल नहीं। आप रिंग रोड जाइए, सहारा दरवाज़ा जाइए, जो भी आप सिटी के सबसे बिजिएस्ट एरिया देखते हैं, सबसे ज़्यादा कचड़े वाला इलाका था। आप फोटोज़ में देख सकते हैं, और किस तरह से पलायन हो वो भी आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि वो पर्सन कौन था। तो 1996 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, एक IAS ऑफिसर का ट्रांसफर होता है सूरत स्पेशली इसी पर्पस को लेकर, और वो बनते हैं SMC के हेड। नाम है उनका सूर्यदेव रामचंद्र राव, SN राव। 1996 to 1997 ही वॉज द कमिश्नर मेन हेड ऑफ द SMC। उनकी एक ईयर के टेन्योर में उन्होंने सूरत की तस्वीर बदल दी। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन से, जो आप आजकल रोडे देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन से लेकर सहारा दरवाजे में, रिंग रोड, वॉट एवर इट इज, वो गलियां हुआ करती थी, सबसे पुअर इलाके हुए करते थे। एक साल की इनकी प्लानिंग में कितनी बिल्डिंग सूरत में तोड़ी गई, इतिहास गवाह है। इस तरह की न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या चैनल्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर हुए थे। बट जितना मैंने रिसर्च किया है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा जो यहाँ पे 90s के दौर में रहे, स्पेशली 1990 to 2000, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि क्या सिचुएशन थी और कैसे सूरत बदला। एसएन राव की बात करें तो लेटरली 1997 के बाद फिर उनको वो अपने आंध्र प्रदेश में गए और आंध्र प्रदेश पोर्ट के हेड बने, और उनके ही टेन्योर में आंध्र प्रदेश का पोर्ट इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट के टर्म पे आगे आया। उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एज ए सेक्रेटरी भी काम किया। एसएन राव उन गिने चुने सिविल सर्वेंट्स में से एक हैं जिनको काम करते हुए ही, मतलब कहते हैं ना सर्विस के ड्यूरेशन में, पद्मश्री अवार्ड मिला। इंडिया का 4th हाईएस्ट अवार्ड होता है वो दिया गया एसएन राव जी को। और उनके, आप कभी भी विकिपीडिया पे उठा के उनके प्रोफाइल के बारे में पढ़िए, ही इज़ बेसिकली नोन एज रिफॉर्म इन सूरत। सूरत में रिफॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही था इस वीडियो के थ्रू कि आप जाने कि रियल लाइफ हीरोज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और किस तरह का काम करते हैं। क्योंकि आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस सिटी को आप कहते हैं सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, उसके पीछे रीज़न क्या है। और भी बहुत से लोग हैं, उनकी कहानियां मैं लेके आता रहूँगा, लेकिन एसएन राव जी का सबसे की रोल माना जाता है। आप किसी से भी पूछेगा जो थोड़ा सा 90s के बारे में जानते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी जानना चाहिए। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कई बच्चों ने मैसेज किया था कि उनको IAS और IPS 10th के बाद से अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो किस तरह से हम वो थ्रू होके जाएं, तो उसके रिगार्डिंग मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपसे।